हेलो दोस्तों, अगर आपका ब्लॉग गूगल सर्च में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि अपने ब्लॉग को गूगल सर्च में कैसे लेके आते हैं और अपने ब्लॉग को रैंक कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है अपने ब्लॉग की जो पोस्ट है उनको रैंक करवाना, एक है अपने पूरे ब्लॉग को रैंक करवाना। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका ब्लॉग है उसको रैंक कैसे करते हैं कि आप अपने ब्लॉग का गूगल में नाम लिखो और वो गूगल सर्च में आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने ब्लॉग को रैंक कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो तो ब्लॉगिंग के लिए सबसे जो मेन चीज आज के टाइम पे है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो मेन जो चीज है वो है ब्लॉगिंग आप किस टॉपिक पे शुरू कर रहे हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लेते हैं और किसी किसी चीज पर आर्टिकल लिखते रहते हैं, 2-3 साल भी काम करते हैं तो भी ब्लॉग रैंक नहीं होता। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए या फिर आपको ब्लॉग के लिए कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ अपने ब्लॉग को रैंक कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पर अपना जो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है उसे खोल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थीम पर जाना है। थीम पर जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, ज़्यादातर सभी थीम्स में ये जो लाइन मैं आपको बताने वाला हूँ ये होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको खुद की ऐड करनी है। अब कहाँ पर ऐड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टार्टिंग में ही टेम्पलेट में ये टैग मिलेगा हेड, इसमें अगर हम नीचे देखेंगे तो ये लाइन हमें ऐड करनी है। आप अगर आपके उस टेम्पलेट के अंदर नहीं है तो आपको करना क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। आपको हेड के नीचे यहाँ पर एंटर करना है और आपको ये लाइन यहाँ पे एंटर कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कीवर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। आप चाहते हो अगर आपके ब्लॉग का नाम कोई गूगल में डाले और उस नाम से आपका ब्लॉग गूगल में खुल जाए तो आपको वही कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। मैं अपने ब्लॉग का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है अपने ब्लॉग का नाम लिखने के बाद। अब आप जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हो, आपका ब्लॉग जिस टॉपिक पर है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कीवर्ड्स लिख देने हैं। जैसे कि मेरा हेल्थ का ब्लॉग है तो मैं यहाँ पर हेल्थ का जो भी मेरे कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपको कम से कम 10-15 कीवर्ड्स ऐसे ही कॉमा लगा लगा कर लिख देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। हम इसे सेव करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक सेटिंग और बताऊंगा जो आपको करनी है जिससे आपका जो ब्लॉग है वो गूगल में रैंक होने लगेगा। इसके बाद आपको बैक आना है। यहाँ से बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं टाइटल, टाइटल में आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है और सेव कर देना है। इसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन आपको 500 वर्ड्स तक की आप लिख सकते हो। इस डिस्क्रिप्शन को आपको ऐसे लिखना है कि इसमें आपके जो ब्लॉग के मेन कीवर्ड्स हैं वो इसमें इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ द साइट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग घरेलू नुस्खे, वेट लूज टिप्स इन हिंदी, जिम डाइट, प्रोटीन फूड्स इन हिंदी, आयुर्वेदा इन हिंदी। मतलब कि ये हेल्थ का ब्लॉग है तो मैंने हेल्थ से रिलेटेड इसमें जितने भी मेरे कीवर्ड्स थे वो मैंने डाल दिए। आपको भी ऐसे इस लाइन को ऐसे लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी के कीवर्ड इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। अगर आप ये दो काम कर देते हैं तो आपका जो ब्लॉग है वो गूगल में रैंक करने लगेगा। लेकिन आप चाहते हो अगर आपकी पोस्ट भी गूगल में रैंक करें, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जल्दी, आप उसको देखना, उससे आप पोस्ट को भी रैंक करवाना सीख जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन हो ब्लॉगिंग से या ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब से जुड़ा तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।